है जो भाषण देते हैं, कौन से लीडर कितने लोगों को वहाँ पर जो कहे वो लेके आ रहा है, तो मैं नहीं समझता। देखो, हमेशा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इस्तेमाल किया गया है, हमेशा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को टूल बनाया गया है, हमेशा खैबर पख्तूनख्वा को इन्होंने अपने ज़ाती सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। आज आप देखेंगे एक गाड़ी भी नहीं होगी, जितने यहाँ के लीडर हैं शायद एक दो गाड़ियों में जो है वो आ जाएँ और कहें कि हमने जलसा करना है, और आके उन्होंने हमें वहाँ पर हमारे लोगों को भाषण देना है। अदरवाइज कोई मुझे नहीं लग रहा, मैं कल से परसों रात को यहाँ पर आया हूँ और कल तो मैं कहीं पे भी नहीं देखा था कि मैंने सुना हो किसी मीडिया के दोस्त से कि यहाँ पर कितने गाड़ियों का काफिला सवाबी जा रहा है, यहाँ पर एक जलसा है, तो कोई चीज़ नहीं है, हमेशा इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, ख़ासकर जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। आज अल्लामा इकबाल के दिन की मुनासबत से भी था और एक अफसोसनाक वाकई भी आज सुबह पेश आया, तो लिहाजा इंशाल्लाह ताला अभी हम यहाँ पर जो है एक टॉक करेंगे और यहाँ पर जो है एक इंटरेक्शन सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर भी होंगे, ताकि हम एक दूसरे को और खैर उखा की चीज़ों को यहाँ पर समझा सकें। जी शुक्र। अच्छा, सर ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक कल जो है खबर चल रही थी, वहाँ की जो कैबिनेट है उन्होंने आपसे जो वाइस चांसलर की तैनाती का वो बाकायदा उन्होंने मंजूरी दिया है कि वो इख्तियारात आपसे वापस लेके वो कैबिनेट को दे दिए गए हैं, इस पर आप क्या राय हैं? अभी तो प्रोसेस में देखते हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, बहुत से और फील्ड है जिसमें मुकाबला कर सकते हैं, आप फिक्र न करें, मैं एक ही काफ़ी हूँ सबके लिए।